नेटवर्क और मनाली का वेदर कब बदल जाए ना कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल आज का हमारा जो प्लान था वो था कि मैं और अजय भाई सिसु की तरफ जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, मजे करेंगे, ड्रोन वगैरह फ्लाई करेंगे, लेकिन कल जो हादसा हुआ ना उस हादसे के बाद ना हमारा प्लान ही सारा बदल गया। और वहाँ पर जब हम लोग ड्रोन को रेस्क्यू कर रहे थे तो जिस तरफ ड्रोन गिरा था, जो लोकेशन दे रहा था, वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आप मान लो 25 माले की बिल्डिंग है, आपको वो सीधा चढ़ के जाना है, फिर उसे वापस उतरना है। वो मैंने 4 बार कंटिन्यू अप डाउन किया और मेरे पैरों की लग गई वार। बस वहाँ से जैसे तैसे हम लोग अपने होटल पहुंचे और लेट गए। और अब सुबह जब आग खुली है तो देखा कि वेदर में देखो क्या 4 चांद लगे हुए हैं भाई साहब। यार मूड फ्रेश हो गया, ये असली पहाड़ों के मजे। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। अभी आपने देखा कि मैंने इसको बैटरी लगाई, ऑन किया, चेक किया, इसके अंदर इसका कैमरे का व्यू भी आ गया और उसका जो गिम्बल है वो भी अप डाउन हो रहा है, ऑन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है। लेकिन जब मैंने फ्लाई किया तो फ्लाई नहीं हो रहा है। जहाँ पे हमारा नेटवर्क का सिग्नल और बैटरी लेवल दिखाता है तो वहाँ पे बैटरी एरर दिखा रहा है। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है लेकिन मैं इसके यहाँ पे टच कर रहा हूँ इधर गिम्बल के नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रखा है। तो अभी ये कंडीशन है डॉबी की, मतलब चालू हो गया, बहुत अच्छी बात है, मतलब गुड न्यूज़ है, दैट मीन्स कि ज़्यादा खर्चा होने नहीं वाला आई थिंक। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको खोल के देखूँ या नहीं, अगर इतनी कनेक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं इसके अंदर उम्मीद है कि ये कम पैसों में ठीक हो जाएगा। मैंने अभी एक ही स्क्रू खोला था, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। मुझे लग रहा है शायद बारिश का ये अंदाजा है कि मैं इसको खोलू ना, इसको बंद ही रहने दूं। तो फटाफट इसका स्क्रू बंद करते हैं और रूम में चलते हैं। उस दिन भी मुझे थोड़ा सा हिंट मिला था लेकिन मैंने समझा नहीं था, लेकिन अभी ये बारिश शुरू हो गई है खुलने से पहले, तो जो इसका स्क्रू खोला है मैं फटाफट कस के इसको रख ही देता हूँ। पैक करके ऊपर क्या आया, बारिश ही बंद हो गई। देख रहे हो कुछ ना कुछ मेरे को हिंट मिल जाता है ताकि मैं वो काम ना करूँ, अगर मैं ज़बरदस्ती वो काम कर दूँ ना तो बिगड़ ही जाता है। तो मेरे को अभी हिंट मिल गया तो मैंने उसे रख दिया है, तो अब उसको सीधा शॉप वाले से रिपेयर करेंगे। जब मेरे को पता लगा कि ड्रोन ऑन हो गया है और उसकी कनेक्टिविटी हमारे रिमोट के साथ हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दिल्ली भेज दिया जाए और दुकान वाले से, शॉपकीपर जो है उसी से रिपेयर क्यों ना करा लिया जाए। अगर सस्ते में रिपेयर हो रहा होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और नहीं होगा तो अपने माइंड से ना वो कन्फ्यूजन हट जाएगा कि ये रिपेयर हो सकता है नहीं। अगर ये सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेहनत करेंगे DJI FPV लेने की, क्योंकि अब अपग्रेडेड वाला टाइम आ रहा है तो अपग्रेड ही करेंगे ना। तो अभी सबसे पहले इसको देख के आते हैं वोल्वो बस स्टैंड जाके, ताकि ये दिल्ली पहुंच सके और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो इसको टाइम से सही करा पाए। चलो चलते सीधा पहले वोल्वो बस स्टैंड। स्कूटी पूरी गंदी हो गई है, एक डस्टर खरीदना पड़ेगा अपने को ताकि हम लोग साफ सफाई कर सके। और एक ना ये लूज हो गया है, तो मेरे पास ना चाबी नहीं है नीचे की 14 नंबर की, तो इससे ये टाइट होगा, तो इसको भी आज टाइट करा लेंगे।
लो जी भैया, हम लोग पहुंच गए वोल्वो बस स्टैंड। बस अब हमें ढूंढनी है वो वाली बस जो हमारा ड्रोन लेके जाएगी दिल्ली। अरे मेरे भाई, अरे बस कर मेरे भाई। हेलो जी भैया, वो वोल्वो बस स्टैंड पहुंच गया था मैं कैमरे के लिए, कैमरा देने के लिए। कहाँ पे अभी आप? ये आपका श्री, ये बस एंट्री लेते ही मैं राइट में खड़ा हूँ स्कूटर के ऊपर, बस ये है। तो भैया हमने ड्रोन तो भेज दिया है, बस फिंगर क्रॉस करते हैं कि अपना ड्रोन ठीक हो जाए थोड़े कम पैसों में, वरना फिर गोप्रो से, इंस्टा 360 से और DSLR से भी काम चलाना पड़ेगा। लेकिन एरियल व्यू के जो मज़े होते हैं ना, वो फिर वो वाला फील ख़त्म हो जाएगा यार अपनी वीडियो में, क्योंकि जो ये ब्यूटी नज़र आ रही है ना, इनकी तो बात ही कुछ और है। तो मैं सोलांग वैली की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे एक स्पॉट मिला। ओए होए होए होए, हमेशा ना मैं इस रास्ते से उतर के नीचे चला जाता था, सीधा मनाली पहुंच गए। लेकिन ओह हो, यहाँ आज ना फुर्सत में रुक रहा हूँ, फुर्सत में मतलब सामने वाला पहाड़ देखो यार, कितना जबरदस्त दिख रहा है, पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहे हैं, क्या बात है यार। अब बारिश हल्की हल्की झिलमिल झिलमिल सी पड़ रही है, बूंदे पड़ रही है, बाकी ठंड इतनी हो रखी है कि मुझे कपकपी छूटने लग रही है, और मैंने कपड़े भी कुछ खास नहीं पहने, सिंपल अपना ट्रैक सूट पहना हुआ है, और हवा के साथ साथ पूरी बॉडी में ना झुरझुरी सी पैदा हो रही है, क्या बात है यार, क्या लग रही है अपनी अप्रिलिया, सुपर्ब। बाकी जरा एक सेकंड के लिए खड़ी क्या की, देखो बारिश ने क्या हल कर दिया सीट का। वैसे मैंने इसको वॉश नहीं कराया था, क्योंकि मैं इसको ना एक बार देखना चाहता हूँ कि ऑफ रोड कंडीशन में जैसे अपनी हिमालयन अच्छी लगती है, क्या अपना अप्रिलिया भी अच्छा लगेगा। तो एक बार इसको ना अच्छे से गंदा हो जाने दो, फिर इसकी लुक देखेंगे क्या ये वाकई में ये भी अच्छी लगती है। पता है ऐसे वेदर में, ऐसे व्यू में अगर थोड़े से रोमांटिक गाने हो, जैसे अभी अभी मैंने चलाया है, trying to make y'all comfortable, that's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you, that's right. For the record, lab on me going all the way, all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I won't get a ball today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the bars, I'm flipping the, flipping the, flipping the, on record, off record, I still count wins when they got it, on record, off record, I let them take advantage, I was wildin', on record, off record, deals, tell them talk to Colin for the quote, on record, off record, I still want the act, not the ghost. Trying to make y'all comfortable, that's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you, that's right. For the record, lab on me going all the way, all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record.